नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ मामूली विवाद को लेकर पड़ोसी ने एक महिला के घर में घुसकर बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया। महिला ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया, लेकिन करीब 3 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज महिला ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। शहर कोतवाली की बड़ी हरिया गांव निवासी सुषमा का आरोप है कि 26 सितंबर को जमीन की पैमाइशी चल रही थी, इसी दौरान उनके पड़ोसी मनभावती अंबिका व एक अज्ञात युवक सितुतुमय में हो गया। इसी बात को लेकर 27 सितंबर को मनभावती अंबिका व विशाल उनके घर घुस गए और उनके साथ मारपीट भी किए, उनके ऊपर चाकू से हमला भी किया, जिससे वह लहूलुहान हो गए। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित ने आरोप लगाया कि विवेचक आरोपी से मिले हुए हैं। पीड़ित ने एसपी से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हुआ था, हमें बहुत बुरी तरह से मारे पीटे थे। विशाल और अंबिका, उनकी जो माँ है विशाल की, तीनों लोग मिलकर हमारे घर में, हम अकेले 6 बजे झाड़ू लगा रहे थे, वो लोग हमें घुसकर मारे पीटे, हम बुरी तरह से घायल हो गए हैं और पुलिस थाने गए, वहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 307 लगाई गई है, 307 लगाने के बाद भी हमारी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जो हमारे विवेचक महोदय हैं उनसे मिले जुले हैं, हमें मतलब दबाव कर रहे हैं सुलह कर लो। क्या चाहते हैं? हम नहीं चाहते हैं कि सुलह हो, हम चाहते हैं उनकी गिरफ्तारी हो। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।